ओमेगल एक दिलचस्प जगह है। यहां आप हर तरह के लोगों से मिल सकते हैं और हर तरह की पागल चीजें देख सकते हैं। मुझे बार बार बताया गया है कि वेबसाइट कितनी संदिग्ध है। जब से मैं इस साइट पर आया हूं, मैं हर समय कुछ अजीब चीजों का अनुभव करता हूं। लेकिन अत्यधिक जिज्ञासु, रोमांच चाहने वाला किसी बच्चे होने के नाते मैं इसे देखना जारी रखता हूं। मैं देर रात तक जागता और लैपटॉप की मदद से साइट देखता और सोचता कि आज मुझे क्या नया देखने को मिल सकता है। ये एक रात की बात है, मैं अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। मैं बहुत बोर हो रहा था और तब मैंने ओमेगल देखने का फैसला किया। आधी रात के आसपास का समय था और मेरे मॉम डैड तब तक सो चुके थे, इसलिए मैं अपने डैड के लैपटॉप का इस्तेमाल करने के लिए चुपके से उनके ऑफिस में चला गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और जितना हो सके शांत रहने की कोशिश की। मैंने टेबल लैंप चालू किया और लैपटॉप ऑन कर दिया। पहले घंटे के लिए मैंने सामान्य चीजें देखी, जैसे खुले कपड़ों में लड़कियां और कैमरे के साथ बिस्तर पर लेटे खौफनाक बूढ़े जो अपने बालों से भरी छाती दिखा रहे थे। मैं तंग आ रहा था, इसलिए मैंने बिस्तर पर जाने से पहले एक और व्यक्ति से बात करने का फैसला किया। जब मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो मुझे नहीं पता था कि क्या उम्मीद की जाए। दूसरे व्यक्ति की साइट पर वीडियो फीड पूरी तरह से काली थी। मुझे लगा कि वो वेबकैम चालू करना भूल गया है, इसलिए मैंने टाइप किया, तुम्हारा वेबकैम बंद है। कुछ मिनट बाद दूसरी तरफ से व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। मैंने स्क्रीन पर बारीकी से देखा और तब जाकर मुझे वो दिखा। दो आंखें सीधे अंधेरे से मुझे घूर रही थी। एक बार जब मैंने ये देखा तो मैं ठंडा पड़ गया और फिर अचानक उस व्यक्ति ने अपनी साइड लाइट चालू कर दी। मैंने देखा कि एक लड़की मुझे घूर कर देख रही थी। उसने मशहूर एनिमल की तरह कपड़े पहने हुए थे। पहले तो उसे इस तरह देखना वाकई अजीब लगा, फिर मुझे एहसास हुआ कि उसने अपना मेकअप पर कितनी मेहनत की हुई है। उसने अपनी दो चोटियों पर लाल रिबन पहने हुए थे और उसके गालों पर अत्यधिक मात्रा में लाल ब्लश लगा हुआ था। उसने अपनी आंखें उन कार्टून्स की तरह की हुई थी जिससे वो बड़ी और डरावनी दिखाई दे रही थी। उसने बिना पलक झपकाए मुझे देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे सही नहीं लग रहा था। ये महसूस करने पर कि काफी समय हो गया है और मैंने उसे एक शब्द भी नहीं कहा, तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। वाओ, हाय, तुम अलग लग रही हो, क्या तुम्हें ये पसंद है? जिस आवाज में उसने मुझसे बात की वो उसके पहनावे से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। उसकी आवाज तीखी और खुरदरी थी, जैसे वो अपनी असली आवाज का इस्तेमाल नहीं कर रही हो और किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रही हो। खैर, मैं वापस मुस्कुराया और कहा, हाँ, तुमने मुझे चौंका दिया। मुझे लोगों को इस तरह चौंकाना बहुत पसंद है। उसने अजीब तरीके से हंसते हुए कहा, तो तुम्हारा नाम क्या है? एनाबेल। और तुम्हारा? ओह हाँ, बेशक, ठीक है, मेरा नाम जस्टिन है, एनाबेल। तुम कितने साल की हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता, इस मेकअप के साथ बताना मुश्किल है। उसका चेहरा अचानक बदल गया, मुस्कान गायब हो गई। उसने मुझे ऊपर नीचे देखा जैसे मैंने उसे नाराज कर दिया हो। वो अपने चेहरे को स्क्रीन के बेहद करीब ले आई और बहुत खौफनाक नजरों से मुझे देखने लगी। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे अंदर झांकने की कोशिश कर रही हूँ। क्या? वो पागलों की तरह हंसने लगी। उसके बर्ताव ने मुझे असहज कर दिया। एक पल के लिए मैंने सोचा कि फोन काट दूं और सो जाऊं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जिज्ञासा अक्सर आपको गलत राह पर ले आती है। मैं रुका रहा। तो तुम्हारा असली नाम क्या है? उसने अपना सर एक तरफ झुकाया और कहा, मैंने अभी तुम्हें बताया था। मुझे एहसास हुआ कि उसने अपनी असली पहचान बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं चुप हो गया। अगला सवाल उसकी तरफ से आया, मुझे बताओ जस्टिन, क्या तुम लुक्का छुपी खेलना पसंद करते हो? कैसा अजीब सवाल है ये। जब मैं तुमसे कोई सवाल पूछ रही होता तो मुझे उसका जवाब दो। उसकी अचानक चीखने से मैं चौंक गया। वो तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि मैं जीता जागता न रख जस्टिन, मुझे पता है कि तुम अपने डैड के ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हो जबकि वो सो रहे हैं। क्या ये सच है ना? कैसे तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़ सकती हूँ। एनाबेल हूँ। अब बस बहुत हो चुका था। मैं कॉल काटने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन वो साइट जैसे बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। स्क्रीन पर दिक्कतें आने लगी, लेकिन वो वहीं की वहीं रह गई। मुझे उसकी भयानक मुस्कुराहट साफ दिख रही थी। मुझे डरा कर और परेशान करके उसे बहुत मजा आ रहा था। अचानक उसने एक बड़ा चाकू निकाला। क्या तुम एक जादू देखना चाहते हो? वो अपनी जगह से उठी और कमरे के दूसरे कोने पर चली गई। मैंने उसे पीछे बना हुआ दरवाजा खोलते हुए देखा। वहां एक लड़की सिसक सिसक कर रो रही थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन सिर्फ उसकी चीख सुनी। नहीं, प्लीज नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज, मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
आगे जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। ये पागलपन था। वो पूरी तरह पागल हो गई और उस लड़की को चाकू से मारने लगी। मैं दर्द भरी सिसकियों के साथ साथ खौफनाक चीखें भी सुन पा रहा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। डर के मारे मेरा शरीर हिलना बंद हो गया था। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं हिल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद उस लड़की की आवाज आनी बंद हो गई, मारपीट भी बंद हो गई। फिर अनबल मेरी ओर मुड़ी और अपनी सीट पर वापस आ गई। खून से सना चाकू और उसके खून से सने हाथों को देखकर मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। उसने चाकू डेस्क पर रखा और अपना चेहरा स्क्रीन के बहुत करीब ले आई। क्या तुम एक और जादू देखना चाहोगी जस्टिन? मैं कांप रहा था। पसीने की बूंदों ने मेरे माथे को भर दिया था। एनाबेल ने अपने बड़े हाथों से अपना चेहरा छुआ और अपने चेहरे से मेकअप को रगड़ने लगी। मुझे नहीं पता था कि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला कुछ मेरा इंतजार कर रहा है। जैसे ही मेकअप उतारना शुरू हुआ असली चेहरा सामने आ गया। और एनाबेल एक महिला नहीं थी, वो एक पूर्ण विकसित अधेड़ उम्र का आदमी था। गोरी त्वचा से पीछे उसकी खुरदरी नोकीली दाढ़ी उभर रही थी। अब तो तुम खुश हो ना जस्टिन, तुम मेरा असली रूप देखना चाहते थे है ना? वो आदमी पहली बार अपनी असली आवाज में बोला और मुझे एहसास हुआ कि किस तरह वो इतनी देर तक एक लड़की होने का नाटक कर रहा था। मैं चला और अपने मॉम डैड के बेडरूम में भाग गया। मैं उनके दरवाजे को तब तक खटखटाता रहा जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे तेज बुखार था। मैं अपने मॉम डैड को नहीं बता सका कि मैंने कल रात क्या देखा। उन्होंने मुझे अपने दरवाजे पर बेहोश पाया और मेरे डैड का लैपटॉप खुला हुआ था और उसकी स्क्रीन बंद थी। कुछ दिनों बाद मैं रात के खाने से पहले टीवी देख रहा था जब मेरे डैड ने आकर समाचार लगा दिए। तभी मैंने उस आदमी को एनाबेल के भेष में एक बार और देखा। वो आखिरकार खबरों में था। पुलिस ने उसे एक पार्किंग में पकड़ा। वो एक औरत की लाश को कूड़ेदान में ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। उस साइको ने लड़की के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उन्हें पूरे शहर में फेंक दिया था। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें उस लड़की का सर और बाकी का धड़ मिला। उसका नाम माइल्स लॉकर था और उसे ओमीगल किलर का नाम दिया गया था। वो लड़कियों को अगवा कर घर में लाता था और फिर कुछ मशहूर फिल्मों के कैरेक्टर्स की तरह कपड़े पहनता और ओमीगल पर उनकी हत्या करता था। वो खुद को बेहद अच्छा अभिनेता समझता था और दुनिया के सामने सबसे घटिया शो लाने का दावा करता था। जांच अभी भी जारी है। पुलिस उसके अन्य पीड़ितों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। उस रात के बाद से मैं कभी भी ओमेगल पर नहीं गया। हे दोस्तों, मेरा नाम लूकस है। हो सकता है कि आप ऐसे कई लोग मुझे YouTube के प्रैंक्स करने वाले युग से जानते हो। जब ये चैनल सड़क पर मजाक, ऑनलाइन गेम्स या ओमेगल जैसे प्लेटफॉर्म पर मजाक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मैं ओमेगल पर मस्ती करने वालों में से था। और सच कहूं तो ये बहुत ही मजेदार हुआ करता था। मैं ओमेगल में चुटकुलों का राजा हुआ करता था। मुझे उन लोगों पर बहुत हंसी आती थी जो मेरे चुटकुलों का शिकार बनते थे। लेकिन एक दिन मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज का सामना किया जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उस दिन मैं अपना एक YouTube वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। चुटकुले इस बात पर आधारित थे कि जब कोई मुझे देखेगा तो मैं उसे श्रेक फिल्टर के साथ दिखूंगा। कुछ सेकंड्स के बाद श्रेक का एक डरावना फिल्टर सामने वाले की आंखें कूदकर उसे डरा देगा और उस बंदे का रिएक्शन मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। सब कुछ बढ़िया शुरू हुआ। मुझे लोगों से कुछ अच्छे रिएक्शंस मिल रहे थे, लेकिन अचानक कैमरे पर एक लड़की आई। हे, क्या तुम्हें मेरी डॉल पसंद है? हाँ, मुझे तुम्हारी डॉल बहुत पसंद है। क्या तुम्हें श्रेक पसंद है? श्रेक बहुत ही क्यूट है। हे, क्या तुम मेरी डॉल के साथ खेलना चाहोगे? मैंने जितने भी रिएक्शंस देखे थे उनमें से मुझे सबसे ज्यादा हैरान इसी ने किया। लड़की ने डराने वाली छलांग पर बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं दिया था। ये ऐसा था जैसे उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि मैंने उसे डराने की कोशिश की। उसने बस मुझसे उस डरावनी गुड़िया के बारे में बात की जो उसके पीछे रॉकिंग चेयर पर रखी हुई थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गुड़िया भयानक थी। पहली नजर में वो एक साधारण गुड़िया लग रही थी, ठीक वैसे ही जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में एनाबेल, लेकिन वो असल जिंदगी में वैसी लग रही थी। लड़की घबराई हुई थी, वो रो रही थी, लेकिन उसने मुझे एक बड़ी मुस्कान के साथ देखा जैसे कि सब कुछ ठीक था। सच कहूं तो मेरे दिमाग में पहली बात ये आई कि वो भी मेरी ही तरह एक और यूट्यूबर है, इसलिए मैं भी साथ में हंसने और खेलने लगा। बेशक मुझे तुम्हारी गुड़िया के साथ खेलने में अच्छा लगेगा। तो ये क्या खेलना पसंद करेगी? पोकर, नीड फॉर स्पीड या शायद एक सॉकर गेम? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। मुझे बताओ, क्या तुम मेरी गुड़िया रखना चाहोगे? बेशक, मुझे नहीं पता कि तुम उसे मेरे पास कैसे भेजोगी। क्या तुम मुझे छेड़ने की कोशिश कर रही हो? ये कहो कि तुम मेरी गुड़िया रखना चाहते हो।
उस पल मैं थोड़ा डर गया, लेकिन मैंने मजाक जारी रखने का फैसला किया। मैं अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था और ये भी बहुत अच्छा कंटेंट दे रही थी, भले ही ये मेरे खर्च पर हो। मैं तुम्हारी गुड़िया रखना चाहूंगा। हे भगवान, तुम नहीं जानते कि मुझे कितना खेद है, लेकिन अब ये तुम्हारी समस्या है। और बिना कुछ बोले लड़की ने ओमेगल बंद कर दिया। वाह, ऐसा भी क्या हो गया। मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि मैं पिछले लड़की के साथ थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि कुछ ही दिनों में मैं ऐसी वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें मैं डरावनी वीडियो पर फनी रिएक्शंस दिया करूंगा। उस विचार ने मुझे उस लड़की की बातें भुला दी। जब अगला कैमरा दिखाई दिया तो मैं अपना श्रेक रूटीन जारी रखता हूँ। मैंने कुछ बच्चों को जंप स्केयर से डरा दिया, उन्होंने इसे काफी अच्छी तरह से लिया और हंसे, लेकिन जब उनमें से एक ने मुझसे बात की तो मैं ठंडा पड़ गया। यार, तुम तो पूरी तैयारी के साथ बैठे हो, तुम्हारे पीछे वो डरावनी गुड़िया भी है। अपना कैमरा देखकर मैं डर गया। वही गुड़िया जो पिछली लड़की के साथ थी, मेरे बिस्तर के ऊपर बैठी हुई थी। मैं जल्दी से अपना कैमरे को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हो, बढ़िया काम है दोस्तों, तुम पिछली लड़की के साथ मिले हुए हो, है ना? क्या मुझे हैक किया गया है? अच्छा है, लेकिन हम इस झांसे में नहीं आएंगे। चलो बस करो यार, ये मजाक बहुत ही पुराना है, मैंने इसे कई वीडियो में देखा है। उन्हें जवाब देने का मौका दिए बिना ही मैं अगली वीडियो चैट की ओर बढ़ गया, लेकिन गुड़िया अभी भी वही थी। मैंने अपना ओमेगल ब्राउजर फिर से शुरू किया, बंद किया और फिर खोला, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। गुड़िया मेरे बिस्तर पर थी। मैं एक चालाक और जल्द समाधान के बारे में सोचने लगा। मैंने कंप्यूटर पर अपना वेबकैम खोला और जब मैंने गुड़िया को उस स्थिति में देखा तो मैं भी हैरान रह गया। ये किस तरह की हैकिंग है? मैंने ऐसा होने की उम्मीद कभी नहीं की थी। इस बात पर कोई शक नहीं कि मैं इतना डरा हुआ था जितना मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने कंप्यूटर से बिजली की तार को निकाल दिया और अलमारी के बाहर अपनी चप्पल को ठीक से रखने के लिए चला गया। जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ तो मैं वापस जाने लगा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं कंप्यूटर की तार वापस से लगा दूंगा, शायद हैकिंग की प्रॉब्लम ठीक हो गई हो, लेकिन जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हैरान था। कंप्यूटर ना सिर्फ ऑन था बल्कि ओमेगल पर चैट भी चल रही थी। मेरा कैमरा चालू था लेकिन सामने वाले का बंद। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। कम ऑन लुकस, ये बस एक गेम है, आओ खेले। और अगर मैं यहाँ से उठकर चला जाऊँ तो? लुकस, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि तुम ये करने की एक बार कोशिश भी करके देख सकते हो तो देख लो। चलो अब मेरी बारी, क्या तुम जानते हो कि अब मैं कहाँ हूँ? मुझे नहीं पता। कम ऑन, तुम जानते हो। तुम मेरे बिस्तर पर बैठी हो। बहुत बहुत मुबारक हो, मैं जानती थी तुम्हारे अंदर वो बात है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज रात तक जिंदा रह पाओगे? मुझे लगता है कि अब सवाल करने की बारी मेरी है। तुमने गलत सोचा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज रात जिंदा बचोगे? हाँ। ओह, मैंने तुम्हें कहा था कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो। ठीक है, कोई और गेम खेलते हैं। क्या तुम्हें वो लड़की याद है जो मेरे साथ पहले थी? तुम वो लड़की बनोगे? प्लीज, मैं नहीं चाहता कि कोई और इस चीज से गुजरे। जब भी तुम कॉल पर दिख रहे इंसान को मेरे साथ रहने के लिए नहीं मना पाओगे, मैं एक कदम तुम्हारे करीब आती जाऊंगी। अगर मैं तुम्हारी जगह तक पहुंच गई तो तुम हार जाओगे। नहीं, मैं ये किसी के साथ नहीं करूंगा। पीछे मुड़कर देखो लुकस। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली परछाई मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी।
मैं उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो बहुत ही बड़ी थी। वो दिखने में किसी इंसान की परछाई जैसी लग रही थी और मुझे उस पर हॉस्पिटल के मरीजों जैसे कपड़े दिख रहे थे। अब से तुम दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ हर कॉल के बाद मैं तुम्हारे थोड़ा और करीब आ जाऊंगी। चलो खेल शुरू करते हैं। इन शब्दों के ठीक बाद मेरे कंप्यूटर का कैमरा अपने आप चलने लगा और मेरे सामने कुछ लड़कियां आ गईं। हे गर्ल्स, क्या तुम्हें मेरी ये गुड़िया पसंद है? पागल! जब भी मैंने ये कहा, लोगों ने मुझे नकार दिया। कुछ भड़क उठे, कुछ शक्लें बनाकर जाने लगे। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहा था कि हर सेकंड जो बीत रहा था, मैं अपने पीछे किसी के और पास होने का एहसास महसूस कर पा रहा था। हर वो इंसान जो मेरी बात को नकार रहा था, उससे मेरा शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। आखिर में वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। मुझे उसकी सांसें भी महसूस हो रही थी। मैं उसकी मुस्कान को देखे बिना भी महसूस कर सकता था। मैं डर के मारे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं बात भी बहुत मुश्किल से कर पा रहा था। हे दोस्तों, क्या तुम्हें मेरी गुड़िया पसंद है? हाँ, हमें उतनी पसंद है जितनी हमें तुम्हारी मॉम। बढ़िया, क्या तुम इसके साथ खेलना चाहोगे? किसके साथ? तुम्हारी मॉम के साथ या इस गुड़िया के साथ? दोनों के साथ। कहो कि तुम इस गुड़िया को रखना चाहते हो। क्या अच्छी बेवकूफ है, अलविदा। मैं उसकी गुड़िया रखना चाहता हूँ। जैसी ये कॉल खत्म हुई, मैंने अपने पीछे आ रही परछाई को अब अपने बेहद करीब महसूस किया। वो मेरी जगह तक पहुंच गई थी और कैमरे पर अब और कोई भी नहीं था। मुझे कुछ मत करना, मैं खेल जीत गया हूँ। उनमें से एक ने कहा था कि वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है। कुछ सेकंड्स की शांति के बाद मैंने अपने कान में एक आवाज सुनी। अगर हम साथ होते तो और भी ज्यादा मजा करते। और अचानक कमरे का तापमान, जो काफी ठंडा था, अब ठीक हो गया। मैं पीछे मुड़ा और मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने बिस्तर पर देखा और गुड़िया गायब हो चुकी थी। मैंने मॉनिटर पर देखा और कंप्यूटर बंद हो गया था। आखिर में ये सब खत्म हो गया था। उस दिन के बाद मैं फिर कभी ओमेगल में लॉगिन नहीं कर सका। मैंने अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बताया और कई यूट्यूब वीडियोस बनाए, लेकिन किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। ये एक और इंटरनेट ट्रेंड की तरह खत्म हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ओमेगल प्रैंक्स लोकप्रिय भी कम हो गए। भले ही हॉरर चैनल पहले से कहीं ज्यादा सफल हैं, फिर भी मैंने उस चलन में शामिल ना होने का फैसला किया। मैं अपने पूरे जीवन में जितना हॉरर देखना चाहता था, उसे एक घंटे में मैं पहले ही देख चुका था। मैंने अपना लैपटॉप खोला। वो एक उदास दिन था और कई हफ्तों से बारिश हो रही थी। मुझे किसी से बात करनी थी। मुझे बाहरी दुनिया से जुड़ाव महसूस करने की जरूरत थी। मैंने ओमेगल पर अपना अकाउंट खोला और चैट के ऑप्शन पर गया। जब मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, दोस्त बनाना चाहता हूँ और ये महसूस करना चाहता हूँ कि मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ, तो मैं ओमेगल का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ आपका अकाउंट गुमनाम होता है, जो मेरे लिए एकदम सही था। मुझे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि कोई मेरा नाम या पता जान जाएगा, लेकिन मुझे पता होता था कि बाकी सब कहाँ रहते हैं। मेरे पास एक प्लगइन था जिससे मुझे उन सभी का आईपी एड्रेस पता चल जाता था जिनके साथ मैं चैट करता था। जैसे कि जब मैं दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट होने का इंतजार करता, उतने में मैं पहले वाले व्यक्ति का आईपी एड्रेस चेक कर लेता जिससे मैंने बात की थी। सेंट लुइस, मिसौरी, देखा जाए तो बहुत दूर नहीं है। पहला व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा और मैं मुस्कुराया। हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। तुम कैसे हो? ये गंजा आदमी था जिसके सर पर एक बाल भी नहीं था। सच कहूं तो उसके चेहरे पर आदमी वाली कोई बात नहीं थी, ना दाढ़ी, ना चेहरे के बाल और ना ही कोई निशान। हालांकि उसमें एक दिलचस्प चीज थी, वो थी उसकी आंखें। एक आंख नीली और एक दूसरी हरी। ये काफी नायाब चीज थी। मैं ठीक हूं, बस थोड़ा उब गया हूं। उब गए हो? अच्छा, मुझे यकीन है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हिचकिचाया। मैं अपना असली नाम नहीं देना चाहता था। तुम मुझे जॉन बुला सकते हो। जॉन? हाँ, अच्छा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा जॉन। मेरा नाम एंडी है। एंडी नाम से कोई खतरा नहीं लग रहा था। वो ओमेगल पर चैट करने वाला एक आम इंसान लग रहा था। हमने कुछ समय के लिए यहाँ वहाँ की बातें की। उसने मुझसे मेरे शौक के बारे में पूछा और मैंने उससे उसके बारे में पूछा। आखिरकार बातचीत और ज्यादा पर्सनल बातों में बदल गई। तो जॉन, तुम क्या करते हो? मैं एक स्टूडेंट हूँ। वाह, तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं फिर हिचकिचाया। मैं उसे सच नहीं बताना चाहता था। मैं किसी को सच नहीं बताना चाहता था। मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। काफी दिलचस्प है। मैं हमेशा हिस्ट्री से रोमांचित रहा हूँ। तुम्हारी पसंदीदा अवधि क्या है? अवधि क्या होता है? मैं बेचैन हो रहा था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। सब की सब, एंडी हंसने लगा।
मुझे तुम्हारा ही उत्साह पसंद आया, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि तुम मुझसे सच नहीं कह रहे जॉन, तुम कुछ छुपा रहे हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने अपना प्लगइन देखा। मैं देखना चाहता था कि वो कहाँ रहता है, और फिर मैं तय कर सकता था कि क्या करना है। जैसे ही मैंने प्लगइन को देखा, मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। ये ऐसा था जैसे किसी ने मेरी रीढ़ पर बर्फ का पानी डाल दिया हो। मेरा प्लगइन गड़बड़ा रहा था, स्क्रीन पर अजीब लाइन चल रही थी, और फिर स्क्रीन चली गई। क्या बकवास है, मैंने जोर से कहा। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, और मुझे लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैंने अपने कंप्यूटर के मॉनिटर केबल को देखा, कनेक्शन की जांच की, सब ठीक लग रहा था। जॉन, एंडी की आवाज आई, लेकिन इस बार उसकी आवाज अलग लग रही थी, और जब मैंने स्क्रीन पर देखने के लिए अपना सर वापस उठाया तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जॉन, क्या तुम जानते हो कि 2 साल पहले उस दिन क्या हुआ था? क्या बकवास है? जॉन, क्या तुम्हें याद है कि तुमने 2 साल पहले उस दिन क्या किया था जब तुम्हारी बहन गायब हो गई थी? मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। मेरी बहन 2 साल से लापता थी और पुलिस उसे कभी ढूंढ नहीं पाई थी। उन्होंने उसके लापता होने का फैसला सुना दिया था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? बात यह नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ जॉन, बात यह है कि वो क्या चाहती है। मैंने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ मेरे कंधे को छू कर गया है, और मेरा दिल एक रेस के घोड़े की तरह भाग रहा था। मेरी बहन मेरे पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों में खून सवार था। उसकी काली बेजान आंखें एक मरे हुए शरीर से निकली थी, जिसने गंदे सफेद कपड़े पहने हुए थे। जिस जगह पर मैंने उस पर वार किया था, खून उसके पैरों के चारों ओर जमा हो गया था, और चाकू अभी भी उसके हाथ में था। सारा, हेलो ब्रदर, उन्हें कभी पता नहीं चला कि तुमने मेरे साथ क्या किया है ना, लेकिन मुझे पता है। मुझे याद है जब तुमने मुझे मारा था, मुझे सब कुछ याद है। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर नहीं चले। मैं डर के मारे अपनी जगह पर जम सा गया था। मैं उसे देखता रहा, और एक और अचानक चीख पड़ा जैसे ही मैंने कैमरे की दूसरी तरफ वाले उस आदमी को देखा। जिस आदमी से मैं बात कर रहा था, वो मेरे कमरे के दरवाजे से हमें घूर रहा था। मेरे देखते ही उसकी आंखें चमकने लगी, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कुराहट आ गई, और फिर सरा ने चाकू उठाया और मेरी ओर बढ़ने लगी। मुझे लगने लगा जैसे कि मेरे सर में खून दौड़ रहा है, और मैं आखिरकार चलने में कामयाब हो गया। मैं अपने कमरे के कोने की ओर भागा, और मैंने वहां रखे अपने चाकू को हाथ में ले लिया। मेरे खड़े होने से पहले ही सारा ने मुझ पर हमला कर दिया। उसने मेरे पैर में चाकू घोंप दिया, और मैं दर्द से कराह उठा। दरवाजे पर खड़ा आदमी बस देखता रहा, वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। मैं खड़ा हुआ और अब उसका सामना करने के लिए तैयार था। मेरे पैर से काफी खून बह रहा था, लेकिन वो मुझे ज्यादा महसूस नहीं हो रहा था। मैंने देखा कि मेरी बहन, मेरी मरी हुई बहन जो मेरे सामने खड़ी थी, वो अंदर से गुस्से से भरी हुई थी। तुम मरने के लायक हो, तुम इसी लायक हो। तुम्हारे पैदा होने के बाद उन्होंने मुझे कभी तवज्जो नहीं दी, वो हमेशा तुम्हें ज्यादा प्यार करते थे। वो फिर से मुझ पर झपट पड़ी, और मैं उसके आगे से हट गया। मैंने अपना चाकू कमरे के कोने से उठाया और उसके सामने कर दिया। वापस जाओ, पीछे रहो। सारा बस हंसती रही और मेरे करीब आती रही। मैंने उसके पेट में चाकू घोंप दिया, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हुआ। वो बस मेरे पास आती रही। उसने चाकू उठाया और वो मुझे मारने के लिए तैयार थी। अभी नहीं सारा, मैं तेजी से मुड़ा और दरवाजे पर खड़े आदमी को देखा। उसकी मुस्कुराहट पहले से कई ज्यादा बड़ी थी। मैं जिस परिस्थिति में था, उसे देखकर उसकी आंखें और चमक रही थी। उसे एक दिन और कष्ट झेलने दो, हम कल वापस आएंगे। और इसके साथ ही सारा हवा में गायब हो गई। दरवाजे पर खड़ा आदमी बस हंसा, और फिर वो भी गायब हो गया। मैं जमीन पर गिर गया। मेरे पैर से अभी भी खून बह रहा था। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। मुझे पता है कि वो कल वापस आ रही है, और मैं मरने वाला हूँ। और मुझे पता है कि मैं इसी लायक हूँ, और वो सभी लोग जिन्हें मैंने तब से मारा है। ओमेगल के माध्यम से मुझे मिला हर व्यक्ति, मैंने उन सबको मार डाला। वो सभी सारा की तरह ही थे। मैंने लोगों को उनके अपनों से जुदा किया है, उन्हें अपनों से अलग किया है, और मैंने इसका बहुत मजा लिया है हर सेकंड। तो अब ये मुझसे इसे क्यों छीनना चाहते हैं? मैंने कमरे में लगे पर्दों को खींच लिया। उसके पीछे मेरे परिवार की तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें मेरी बहन भी साथ थी। मैंने बहुत सावधानी से इसे दीवार से हटाया और एक तरफ रख दिया। फिर मैं उसके पीछे बने छेद में घुस गया, जहां मैंने उसे रखा था। अब बदबू लगभग चली गई थी। ऐसा तो होना ही था, आखिर 2 साल जो हो गए थे। मैंने अपने पैर को अपने साथ घसीटा। मैं लड़खड़ाते हुए नीचे की सुरंग की तरफ जाने लगा। आखिरकार मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां वो थी, जहां मैंने उसका शरीर को रखा था। वहां कुछ भी नहीं था, उसका शरीर गायब हो चुका था, और हवा पहले से ताजी थी। मैं अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। मेरा दिल की एक एक धड़कन मुझे जोर जोर से सुनाई दे रही थी, जैसे जैसे मैं अपने कदम पीछे ले रहा था, और मैं अचानक गिर गया। हड्डी टूटने की आवाज सुनते ही मैं चिल्लाया।
मेरा जो पैर ठीक था अब वो भी मुड़ गया था और मैं रोने लगा। मेरे अंदर खुद को वापस बाहर खींचने की ताकत नहीं बची थी। मेरी बहन की कब्र अब मेरी कब्र भी बन चुकी थी।